स्वागत है आप सभी को दोस्तों नए व्लॉग में। आज है माता कालरात्रि का दिन यानी नवरात्रि का सातवां दिन और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही सुंदर और भव्य पंडाल देखने को मिलेगा जहाँ आप माता रानी के दर्शन करेंगे। तो एंजॉय करिए वीडियो। आज माँ काल रात्रि का दिन है। माँ काल रात्रि के आशीर्वाद से सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। तो आइए माँ काल रात्रि की कथा सुनते हैं। काल रात्रि जो अंधकार को समाप्त करती है, काल जो कि मृत्यु को बताता है, रात्रि जो कि रात है। माँ काल रात्रि के रूप का वर्णन किया जाए तो माँ काल रात्रि का रूप अंधेर के समान काला है। बाल खुले हुए हैं, गले में चंद्रमा के समान चमकती हुई माला है। माता के इस रूप में चार हाथ हैं। माँ के एक हाथ में कटार तो दूसरे हाथ में खड़ग, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। और माता काल रात्रि की सवारी है गदर्व। माँ काल रात्रि का रूप जितना रौद्र है भक्तों के लिए उतना ही फलदायी भी है। और आज के दिन स्याही नीले रंग को महत्व दिया जाता है। माता का भव्य मंदिर पलिया कलान उत्तर प्रदेश में स्थित है और दूसरा मंदिर रुड़की उत्तराखंड में है। बहुत वक्त पहले जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, उस वक्त सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की। देवी असुरों का अत्याचार देखकर अतिरिक्त क्रोधित हुई। तब माता कालरात्रि ने रौद्र रूप धारण कर असुरों का वध किया। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नामक असुर को मारने के लिए यह रूप धारण किया था। रक्त बीज जिसके पास ऐसी शक्तियां थी जिससे कि उसके रक्त की एक बूंद अगर जमीन पे गिरी तो वहां से उसका एक और रूप बन जाया करता था। माता ने उस राक्षस का पूरा रक्त पीकर उस राक्षस का अंत किया। एक वेणी जपा कृण पुड़ा नग्न खरास्त्रिता लंबोष्टि कनिका कर्णी कैलाभ्यप्त शरीरणी आम पादो सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी।